भारत माता की जय नहीं बोलने पर कहां विवाद हुआ, किस राज्य में किसानों को बिजली कटौती के साथ साथ खाद की किल्लत का भी सामना करना पड़ा है, और कहां पर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन प्रशासन ले रहा है, तमाम राज्यों की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप नाइन राज्य विशेष में। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भारत माता की जय न बोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मढ़ौत जिले के एक प्राइवेट स्कूल में जनगण मन के बाद धर्म विशेष के छात्रों से भारत माता की जय बोलने के लिए कहा गया। इसी बात को लेकर स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पहले से ही बिजली कटौती को लेकर परेशान मध्य प्रदेश के किसान अब खाद नहीं मिलने से बेहाल हैं। किसानों की शिकायत है कि उन्हें आवश्यकता से आधी खाद ही मिल पा रही है, जबकि प्राइवेट दुकानदार खुलकर ब्लैक में खाद बेच रहे हैं। किसानों ने इन हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अहमदाबाद में कारीगरों को कोरोना से भारी नुकसान हुआ है। इनकी शिकायत है कि कोरोना की सख्त गाइडलाइन की वजह से इस बार कम जगहों पर रामलीला का आयोजन हुआ है, जिसकी वजह से इनके रावण के पुतलों की डिमांड तेजी से घटी है। पहले रामलीला के दिनों में 90-100 रावण पुतलों की डिमांड हुआ करती थी, जो अब घटकर 20 से 25 रह गई है। दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां सितंबर महीने में डेंगू के 217 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं अक्टूबर के शुरुआती 13 दिनों में ही 139 केस सामने आ चुके हैं। वहीं इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के 480 केस दर्ज किए गए हैं। गनीमत है कि अभी तक दिल्ली में डेंगू से किसी की मौत की खबर नहीं है। उन्नाव में योगी सरकार एक और भूमाफिया की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगी। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है, साथ ही उसकी 10 करोड़ की संपत्ति को भी चिन्हित कर लिया है। आरोपी के बेटे पर भी किसान की जमीन पर कब्जा करने का केस दर्ज हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बरसों से लालटेन की रोशनी में जिंदगी गुजारने वाले किसी बुजुर्ग शख्स के घर अगर बिजली से जगमगाने लगे तो उसके चेहरे पर भी ऐसी ही मुस्कान दिखेगी, जैसे इस समय चित्रकूट के रहने वाले शिवशंकर द्विवेदी के चेहरे पर है। शिवराज सरकार की आम लोगों के लिए शुरू की गई मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना के तहत इस परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है। मध्य प्रदेश में प्रशासन द्वारा महिलाओं की एक अनूठी दौड़ का आयोजन किया गया। भोपाल के फंदा कला गांव की इस दौड़ में उन महिलाओं ने हिस्सा लिया जिनकी बहुएं घर में शौचालय होने के बावजूद घर के बाहर शौच के लिए जाती हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली 18 महिलाओं ने शपथ ली कि उनकी बहुएं अब घर के बाहर शौच करने नहीं जाएंगी। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को इस नए अवतार में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। हल्द्वानी के ऊंचा पुल में आयोजित रामलीला में बंशीधर भगत राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। बंशीधर भगत को राजनीति से जितना प्रेम है, उतना ही लगाव उन्हें रंगमंच से भी है, और उनका यही लगाव उन्हें बार बार रंगमंच की ओर खींच लाता है। पिछले 3 दशकों में वो रामलीला के अलग अलग किरदारों में नजर आ चुके हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। भक्त आज माता के महागौरी रूप का पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा और व्रत करने से वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। माँ की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि सफलता और तरक्की मिलती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने नवरात्रि में सप्तमी तिथि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में आरती की। रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।